हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। जानेंगे आपके कनेक्शन की सिचुएशन क्या है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में चल क्या रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आगे चलकर क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या करंट चैलेंज आया हुआ है आपकी जर्नी में, और डिवाइन किस तरह से आपको गाइड करेंगे, ये सारी बातें जानेंगे। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। बैलेंस, ओ वाओ, वी हैव ट्रिपल वन एंजल नंबर। ओके, कार्ड आ गया हमारे पास नंबर 3। वाओ, 1113 एंड दिस वन आल्सो 3, नंबर 9 एंड ट्रुथ। जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट फेस कर रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ। इनकी लाइफ में सफरिंग्स हैं, ठीक है, अभी भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं स्ट्रगल जिंदगी में, लेकिन अच्छा कर रहे हैं जैसा मैं देख पा रही हूँ। बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी फेमिनिन जो एक उनकी पावर है उसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रगल है। और डिवाइन कुछ ना कुछ जजमेंट देते हैं आपके पार्टनर को और इनको बताते हैं कि इनको नेक्स्ट क्या हील करना है। इनकी लाइफ में अभी ट्रिगर्स आए हुए हैं, बट ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर और इस कनेक्शन को भी लेकर। तो ये प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि राइट नाउ इनकी मदर के साथ इनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग और अच्छा हो गया। इनकी मदर इनको काफ़ी सपोर्ट कर रही है, तो मदर से भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, इवन जजमेंट भी मुझे कुछ कुछ फेवर में ही आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और लाइफ में प्रॉपर बैलेंस अभी बना नहीं, बट बहुत कोशिश की जा रही है अच्छा बैलेंस बने ताकि अपनी ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़ सकें। तो ये अभी अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और आगे ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं यहाँ से। मूविंग ऑन, नंबर 6। ओके, एंड वी हैव नंबर 12, सेक्रीफाइस, दिस इज इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, एंड वी हैव, ओ माई गॉड, वी हैव 555 एंजल नंबर ऑल्सो। ओके, 111 एंड 555, और देखो यहाँ से भी 5। ये थ्रॉट चक्र ना मेरे मुंह से निकल रहा था बट मैं रुक गई क्योंकि यहाँ पे इमोशनल लॉस का कार्ड था। तो एक साथ 5 बार नंबर 5 हमारे पास आया है। आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर बताता है चेंज लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में जो भी सेक्रीफाइस अभी चल रहा था या ब्लॉकेजेस थे या फिर रुकावटें थी, ये पर्सन चाहते हैं वहाँ से हटें, ठीक है, मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, क्योंकि ये भी इस लॉस को झेल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब जब ये लॉस में होते हैं, आपको मिस करते हैं, याद आती है आपकी, तो कहीं ना कहीं इनके वर्क पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाना चाहते हैं अपनी आदत में, ठीक है, अपने बिहेवियर में, और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा पोलाइट भी होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिया, अब ये मूव ऑन कर रहे हैं। तो मुझे आप दोनों के कनेक्शन में अच्छे इम्प्रूवमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, बट अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो गई हैं या सेटल हो गई हैं। अभी भी देखो बहुत विजडम आना है इस कनेक्शन के लिए ना, आपके पर्सन के माइंड में अवेयरनेस आनी है। बट आप ऑप्टिमिस्टिक रहो क्योंकि आपके पार्टनर, भले ही सिचुएशन टफ है, सफरिंग्स अभी चल ही रही हैं, बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, तो आपको भी यही चीज़ फील करने की ज़रूरत है ताकि जितनी जल्दी हो सके अच्छा ही आउटकम आप दोनों को मिले इस कनेक्शन में। दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो अब ये जान लेते हैं। रिलीज योर एक्स, चलिए कार्ड भी तो आया हुआ है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज,
मुझे लगता है जल्दी ही आप दोनों के ही लाइफ में जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बार बार ये कार्ड दिख रहा है, रिलीज योर एक्स, और कंट्रोल इश्यूज का भी कार्ड आता है बार बार, एक्सप्रेस योर लव एंड सेपरेशन। एक कार्ड और चाहिए मुझे, मेक द एफर्ट्स। देखो रिलीज ही कर रहे हैं अपने कार्मिक अकाउंट्स को, और देखो यहाँ से आई कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप दोनों ही एक दूसरे को देखो बुला रहे हो, एफर्मेशंस और प्रेयर्स वगैरह सब कर रहे हो, तो आप दोनों ही अपने कनेक्शन के लिए आपको अभी ऐसे ही प्रेयर करनी है और ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, तभी चांस मिलेगा कि एक्सप्रेस कर पाओ अपने थॉट्स को, अपने लव को, ठीक है, जो आप एक दूसरे के लिए फील करते हैं। तो मुझे जो दिख रहा है, आप दोनों अभी अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करो। देखो कार्मिक अकाउंट आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि किसी और के साथ डील कर रहे हो, इनके कार्मिक अकाउंट बचे हुए होंगे, ठीक है, जो इनके पास्ट लवर या किसी के साथ कैसा भी कनेक्शन रहा होगा, तो ये उन्हें रिलीज कर रहे हैं। लेकिन आपके केस में कार्मिक अकाउंट्स क्या हो सकते हैं, आपका स्ट्रगल, ठीक है, आपके गोल्स वगैरह, जो आपको सच में छुटकारा पाना है, कुछ कर्म करके उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, उनको क्लियर करके, ठीक है। तो आपके लिए ये कार्मिक अकाउंट, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके कनेक्शन को कर रही हैं कंट्रोल, और ना ये जितना काम करते जाओगे, कितना मतलब जितना भी हील होते जाओगे, ये नेचुरली ही सॉल्व होता जाएगा आपका, ये जो जो भी इश्यूज आए हुए हैं आपके कनेक्शन में, और ये कार्मिक जो भी है, ये एक्स जो भी है, ये कार्मिक कनेक्शन या कार्मिक कोई ऐसा कर्मा, ये डेफिनेटली रिलीज होता जाएगा आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग, और आप दोनों को चांस मिलेगा कि आप दोनों एक दूसरे को जान सकें, पहचान सकें, जो भी अंदर छुपी हुई बातें हैं उनको एक्सप्रेस कर सकें, अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। तो दोनों एफर्ट्स लगा रहे हो, दोनों ही तरफ से मुझे एफर्ट्स दिख रहे हैं। इवन आप सेपरेशन में हो अभी, या फिर बहुत कम बात होती है, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे को ही याद करते हो और एक दूसरे के लिए प्रेयर भी करते हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं क्लियर आपके इधर कनेक्शन में मेरे को। सो डोंट वरी, जो हो रहा है होने दें, आप बस अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस रखें। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है देख लेते हैं। ओ वाओ, न्यू बिगनिंग तो आ रही है, फिर से नंबर वन हमारे पास आ गया है, न्यू बिगनिंग आ रही है। ये पर्सन स्टैंड लेंगे इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, हालांकि ये कंफ्यूज्ड है, बट स्टिल ये पर्सन न्यू बिगनिंग, तो मुझे रिकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, सन कार्ड भी आया। सो गाइस, जल्दी ही मुझे लगता है कि भले ही ये कन्फ्यूजन है, बट ये इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये पर्सन स्टैंड लेंगे और आपसे बात करेंगे, और जो भी बात करेंगे बहुत पॉजिटिव वे में करेंगे, अच्छी बात करेंगे, ताकि इस कनेक्शन में आगे आप दोनों मिलकर काम कर सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन अच्छा ही होने वाला है, ये हो जाएगा जल्दी, मतलब ये मान लीजिए आप 15 दिन के अंदर अंदर का ये प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर ले। कोई करंट चैलेंज है तो देख लेते हैं। वैसे तो देखो करंट चैलेंज ये भी दिख रहा है आपके पुराने कर्मा और ये एक्स वगैरह, ये करंट चैलेंज में ही काउंट किया जाएगा। ओके एम्प्रेस, अभी ना आपके पर्सन का ज़्यादा फोकस अपनी मदर के पास भी है, क्योंकि हो सकता है मदर के साथ कुछ इश्यूज हो रहे हों, इसलिए हल्का सा रिकन्सिलेशन होने में थोड़ा सा डिले मुझे दिख रहा है, बट ये जल्दी ही आप, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मदर के साथ अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है या उनकी केयर करनी पड़ रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हीलिंग, ठीक है, ऑफ योर पर्सन, फॉर योर पर्सन। तो मदर के साथ जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी हीलिंग ही हो रही है, ठीक है। बट जो भी चैलेंज आया हुआ है, ये चैलेंज बहुत मेजर नहीं है, बल्कि ये चैलेंज हीलिंग का पार्ट है। तो कोई बात नहीं, टाइम देने दो फैमिली को, ठीक है, और जल्दी ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए भी एक्शन ले लेंगे। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप पूछ लें, अभी हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। सक्सेस, जो भी पूछा है आपने अभी, आपको सक्सेस मिलेगा उसके लिए, बट यू नीड टू टेक एक्शन, ठीक है। एक्शन लेते रहें, सक्सेस अपने आप आपके पास आ जाएगी, जिस भी फील्ड में आपने पूछा है, चाहे करियर के लिए, चाहे लव कनेक्शन के लिए, सक्सेस बोला है डिवाइन ने। ओके लेट्स सी, डैश विल कॉल, रिमेंबर यू दैट यू आर ऑन अ पाथ, आप एक पाथ फॉलो कर रहे हैं, आप एक पाथ पर हैं,
टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस. अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, हैप्पीनेस लाने की कोशिश करो. ओके, सो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन है, बहुत अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं आगे. सो ऐसे ही कर्मा करते रहें, एक्शन ले लें आप, सक्सेस आपकी लाइफ में आ जाएगी और आपकी लाइफ से जो ये जो थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर.